हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है, धूप बिल्कुल नहीं निकली हुई है और मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट छठ पूजा की बनाई थी वही मार्केट वाली वीडियो, छठ पूजा जो अर्घ देने वाली वही लास्ट वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने एक दो दिन बाद अपलोड की, वो भी मैं अपलोड नहीं की बिकॉज इतनी शॉपिंग करनी थी, मार्केटिंग करना था और शॉपिंग मार्केटिंग इसलिए करना था क्योंकि मेरी दीदी की एंगेजमेंट है और वो भी यूपी में है, तो पैकिंग वगैरह करना, सामान सारा यहाँ से रख के हमें ले जाना है। और उस दिन में हम उस दिन के बाद से लास्ट छठ वाला व्रत जिस दिन खुला उस दिन के बाद से डेली मार्केटिंग हो रही है। आज भी मतलब आज तो हमें निकलना है शाम को वही गोरखधाम ट्रेन से, कल हम पहुँचेंगे, तो अभी भी लोग अपनी मतलब पैकिंग वगैरह तो हो गए पर फिर भी कुछ लोग अभी भी छोटा मोटा सामान जो भूल गए हैं वो लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए इतने दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तब बिजी शेड्यूल चल रहा था। पैकिंग वगैरह तो हो चुकी है थोड़ी बहुत, फिर भी थोड़ी बहुत रह रही है, अब मैं उसे फाइनल कर लेती हूँ और जब मैं निकलूँगी तब मैं वीडियो बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरे को बहुत सारा काम अभी भी बाकी है करना, मैंने एंड वक्त पर लगता है ये छूट गया वो छूट गया। रेडी हो चुकी हूँ मैं घर से निकलने के लिए, सामान सब रेडी है हमारा, अब बस बहुत थोड़ा लेट हो चुके, बहुत तो नहीं, फटाफट नीचे उतर रही हूँ सामान लेके। स्टेशन पहुँच गई हूँ मैं और बस 10 मिनट रह रहे हैं बस ट्रेन आने में। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मतलब ट्रेजेडी क्या, मतलब दिमाग ख़राब हो गया। सब लोग 15 लोग थे हम लोग आने वाले, टिकट 9 लोगों की कंफर्म ही नहीं हुई, वो लोग बस में आ रहे हैं एसी बस, रेड बस में जो स्लीपर वाली होती है उसमें, और हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, सब अलग अलग हो गए हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, सैड सैड सब, यह मतलब अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ट्रिप ऐसी प्लान की थी कि सब साथ में जाएंगे मस्ती करेंगे, बट लास्ट मोमेंट पे आकर टिकट कुछ लोगों के कंफर्म ही नहीं हुई, अब सीधा हम सब लोग स्टेशन पे जाके सारे के सारे लोग मिलेंगे, बस 10 मिनट रह रहे हैं। अभी इस साथ में हमारे नाना नानी जा रहे हैं, उनका भी डिब्बा अलग है, S1 में उनका डिब्बा है, स्लीपर में जा रहे हैं इस बार हम लोग, ठंड का टाइम भी है इसी वजह से शायद कंफर्म नहीं हुई है, और शादी के सीजन इतने चल रहे हैं कि स्टेशन पे मुझे इतनी भीड़ नज़र आ रही है, पता नहीं ट्रेन में क्या हालत होगी, अब बस ट्रेन आ जाए जल्दी से। ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, खाना वाना खा लिया हमने, ट्रेन चल गई है और काफ़ी दूर निकल भी गई है, सामान वामान सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया हमको बैठने में, क्योंकि स्लीपर है ये इस बार, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बट ठीक है, एडजस्ट हो गया। एक्चुअली शादी का सीज़न चल रहा है ना इस टाइम, काफ़ी भीड़ है ट्रेन में, मुझे लग नहीं रहा कि कोरोना चल रहा है, कोरोना का कोई भी ज़रा से डर है, लोग गेट के पास तक बैठे हुए हैं, टॉयलेट के पास तक लोग बैठे हुए हैं, बिछा बिछा के चद्दर है, खाना वाना खा रही है, मैं सो रही हूँ, मैं सीधा सुबह गोरखपुर स्टेशन पर वीडियो बनाऊँगी। स्लीपर का यही मज़ा है, ठंडी ठंडी हवा और खिड़की खोल के, जी बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठंड लग रही है बट मज़ा भी बहुत आ रहा है। वेटिंग रूम में, क्योंकि बाकी के जितने लोग ट्रेन में नहीं आ पाए जो बस से आ रहे हैं उनका थोड़ी देर वेट करेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, ट्रेन में मैंने ब्रश नहीं किया इस बार,
बहुत गंदा वॉशरूम कर रखा था, सब कुछ गंदा, कि इतना ज़्यादा मतलब बहुत घिनान थी, इसलिए मन ही नहीं। वेटिंग रूम में जाएंगे, वहाँ पे फ्रेश वगैरह होंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, जिन जिन लोगों को चाय वाय पीनी चाय वाय पियेंगे। नाना नानी भी मेरे आ गई हैं, अभी उनको लेना है, फिर जाके बैठेंगे, उनका वेट करेंगे, फिर निकलेंगे। नाना नानी भी आ गए हैं, रहे मेरा भाई। अरे भाई बहुत अच्छा है, और सामान ले ले थोड़ा। अरे भाई ये चढ़ाई, हम लोग तो चढ़ ले, पर नानी के लिए, नाना के लिए बहुत प्रॉब्लम है, लिफ्ट भी ख़राब हो रखी थी, उन लोगों के पैरों में पेन हो जाता है। तो मेरे भाई को सब सामान धो रखा है, वेटिंग रूम में बैठ गए हैं सब, और मेरे नाना नानी भाई अब वेट कर रहे हैं मासी का, दोनों मासियाँ आ जाएं, मौसा जी आ जाएं, सब आ जाएं, फिर यहाँ से वो लोग भी फ्रेश होंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। चुके हैं और बहुत गर्मी लग रही है, सबने कुर्ती जैकेट उतार ली है, और बहुत भीड़ भी है, बस शायद जल्दी से घर पहुँच जाएँ। एक तो हम लोग लगेज सामान भरने में भरने में टाइम, इस लड़की को मास्क कर, इसने भी अपनी जैकेट उतार ली से है। बस अंदर के हमने ऑटो कर लिया है, और दो दो तीन तीन ऑटो में सब अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नानी के घर, बैठी मेरी नानी, और पीछे एक और ऑटो आ रहा है, वो कार दिख नहीं रहा है, ये रख ये रख, इसमें भी बैठे हैं सब लोग। अब जा रही नानी के घर, वहाँ पे तो और मज़ा आने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है। घर पहुंच चुकी हूं मैं, और छत पे आ गए हैं, और यहाँ पे लाइट नहीं है, तो लाइट कब आएगी, और धुआं धुआं सा हो रखा, लग रहा कुछ जल रहा है। और ये पीछे पार्टी खड़ी है, मस्ती कर रहे हैं ये लोग अपने। अंधेरा तो एज यूजुअल जल्दी हो जाएगा, बट लाइट कब आएगी कुछ पता नहीं। नानी का घर एक डेढ़ महीने से बंद था, क्योंकि नाना नानी तो दिल्ली आ गए थे, तो काम तो भी है। तो अब सब लोग मिलकर थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे। खाना वगैरह तो हमने खा लिया है, बगल में ही मेरी मम्मी की चाची हैं कोई, उनके घर ही बना था, तो वहाँ पे खाना वगैरह खा लिया है। सो अब करेंगे थोड़ा बहुत काम, नहा वगैरह नहा के, काम मतलब काम वाम करके नहा के फिर करेंगे आराम, उसके बाद हैं बहुत सारे काम। और आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड, मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कितना अच्छा निकला हुआ है आज।